पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने सर्किट हाउस में पीड़ित महिला को सुनवाई करते हुए पुलिस को पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ FIR दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने तक पुलिस अपनी भूमिका ठीक से निभाए। सर्किट हाउस में 13 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने संबंधित अफसरों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नागफनी क्षेत्र की एक महिला ने आवंटन के बावजूद मकान पर कब्जा नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर आयोग की सदस्य ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को मौके पर जाकर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होने दें। आयोग की सदस्यों ने कहा कि महिलाएं भी अपनी अधिकारियों के प्रति जागरूक रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन जागरूकता के लिए होर्डिंग बैनर लगवाए जाए। भगतपुर की महिला ने शिकायत की कि ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत की कि एक युवक ने पहली पत्नी से तलाक का झांसा देकर उससे शादी कर ली, अब वो अपने साथ रखने से मना कर रहा है। आयोग की सदस्य ने पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए। असमोली क्षेत्र की एक महिला ने सौतेले बेटे द्वारा जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की, जिस पर आयोग की सदस्य ने पुलिस अधीक्षक संबल को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील रहकर महिलाओं को न्याय दिलाएं। सुनवाई के दौरान SEM प्रथम खालिद अंजुम, CO सिविल लाइंस राजेश कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। 15 केस आए हमारे पास, दहेज पीड़िता है जिसमें दहेज के लिए घरेलू झगड़ा है और जमीन के हैं कुछ केस, और सारे सब हमने अलग अलग जहाँ जहाँ उनका निस्तारण होगा भेज दिए हैं और बहुत जल्दी से उनके कार्रवाई होगी उनके लिए। मैम, कई केसों में पुलिस के सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस थाने से ही पीड़िता को भगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए क्या रहेगा? ऐसा नहीं है कि पुलिस पे आरोप उठ रहे हैं, पुलिस सारी पुलिस एक सी नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं कुछ जो मतलब जनता को परेशान करती है, कुछ लोग केस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पूरी पुलिस सारे अधिकारियों पे ये सारी बातें रखी जाए कि पुलिस परेशान करती है। नहीं मैम, ताज़ा मामला थाना कटगढ़ क्षेत्र का ही है, वहाँ अभी बीती रात एक मामला हुआ था जहाँ पीड़िता को थाने से भगा दिया गया है। तो आपसे बोला किसी ने कि भगा दिया है कि आप थे वहाँ पे? मैं था वहाँ पे मैम। अच्छा, तो आपने देखा? मैं था लेकिन मेरे ही मोहल्ले का मतलब लेडीज थी, उसे वहाँ से भगा दिया गया था। कितने चौकी जाओ थाने जाओ, पिछले एक महीने से परेशान है। उन्होंने मेरे से कहा कि सर ये मामला है, मैंने चलिए मैं देखता हूँ, मैंने उनकी वीडियो बनाई है। अच्छा। हो सकता है आज मैं उसे चैनल पर रिलीज़ भी करूँगा। तो रिलीज़ करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि पहले पूरी जांच हो जाए उस चीज़ की, क्योंकि शायद मैम किसी की बता रहे हैं। अच्छा, ये कटघर से क्या मतलब है? पहले पूरी जाँच होगी उसकी, अगर कुछ कहीं है कोई, हाँ तो कार्रवाई होगी।